वहीं सहारनपुर से आम आदमी पार्टी ने योगेश दहिया को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। दहिया से हमारे संवाददाता विजय गुप्ता ने खास बातचीत की। क्या कहा दहिया ने, आइए सुनाते हैं आपको। पार्टी का जो कुनबा बढ़ रहा है, इसमें आम आदमी का कुनबा बढ़ते हुए घूमने में ऐसा और क्या करेगा जो जनता आपको अधिक से अधिक वोट दे? देखिए, मैं योगेश दहिया प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2019 आम आदमी पार्टी से हूँ। चुनाव चिन्ह झाड़ू है। आम आदमी पार्टी वैसे तो इस देश की सबसे नई पार्टी है, जिसका जन्म 2012 में हुआ था, लेकिन सबसे तेजी से जनाधार बढ़ाने वाली भी पार्टी यही है। और दिल्ली का जो हमारा मॉडल है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और हमारा कारोबार, रोजगार, बिजली और पानी, जो सुविधा हमने आम आदमी को दी है, उसके कारण हर आदमी दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए पूरे देश में आतुर है। सांसद, क्या नाम आपका, सहारनपुर लोकसभा के लिए क्या विशेष है? देखिए, सहारनपुर में भी कहने को तो हमारे पास एक सरकारी अस्पताल है और एक पीजीआई है, लेकिन दोनों की हालत धरातल पर है। जहाँ की जो सरकारी शिक्षा है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी है और महाविद्यालय है, सबकी जो हालत है वो जीर्ण छीर्ण स्तर पर है।